हेलो गैस आज पढ़ते स्टैंडर्ड नाइन की जी एस सी बी की हिंदी की लेसन नंबर सिक्सटीन भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध आजकल देखने जाएंगे तो गुरु और शिष्य के संबंध में बहुत ही बदलाव आ गए तो ये लेसन कुछ इस हिसाब से है कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोल है बोलबाला है और इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है कि हमारे यहाँ जो व्यावसायिक संस्कृति है उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो उस हिसाब से जो टीचर और स्टूडेंट है उनके बिहेवियर में उनके संबंधों में परिवर्तन आ रहा है पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते हैं शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था पहले के ज़माने में टीचिंग को एक अलग दर्जे में रखा जाता था देखने जाएंगे तो मंदिर के समान माना जाता था विद्यालय को जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल के अंदर वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम माना जाता था ऐसा माना जाता था कि टीचर को ही भगवान माना जाता था और ऐसा लगता था पहले के ज़माने में लोगों को कि अगर हम लोग स्कूल जाएंगे या पढ़ाई करेंगे तो हम लोग अल्टीमेटली भगवान को मिल लेंगे बहुत ही जल्दी और परमाश परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी आजकल की तरह पैसे देकर कर निपटाया नहीं जाता था काम के यार उतने पैसे ले लो और आप उसको पढ़ा दो पहले के ज़माने में कैरेक्टर वाइज चरित्र निर्माण किया जाता था जो गुरु शिष्य का करता था आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है और देखने जाए तो लोगों ने इसको धंधा बना के रख दिया हुआ है जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति से क्रियाशील नहीं है देखने जाएंगे तो जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो तो कहीं पीछे छुट गई है अभी तो ये कुछ और ही चीज़ें हो गई है आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्यापक है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है देखने जाएंगे तो इसका मूल कालन यूरोप है क्योंकि ब्रिटिशर आए थे तो ये अपनी संस्कृति लेके आए थे और फिर वही फॉलो हुई और हमारी भारतीय संस्कृति कहीं पीछे ही जुट गई भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी अनुरूप परिवर्तन हो गया है उनके आ जाने की वजह से हमारे जो शिष्य और गुरु के संबंधों में भी बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और ना शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था पहले के ज़माने में ना टीचर पैसों के लिए डिपेंड नहीं रहते थे और जो स्टूडेंट्स भी थे वो सिर्फ पैसे देकर शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है देखने जाएंगे तो ये पैसे लेकर शिक्षा खरीदना यह हमारी इंडियन संस्कृति नहीं थी शिक्षा ले एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे पहले के जमाने में देखने जाए तो जहाँ पे हम लोग शिक्षा लेने जाते थे उसको मंदिर की तरह माना जाता था गुरु को परमेश्वर की तरह माना जाता था मानो वो जो सिखाएंगे वो सही सिखाएंगे और हमारे चरित्र निर्माण के लिए हमें मदद करेगा और टीचर्स के लिए उनके पितृ पुत्र से ज़्यादा अधिक शिष्य ज़्यादा प्रिय थे वो पुत्र से भी ज़्यादा अधिक दर्जा अपने शिष्य को देते थे यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है देखने जाएंगे तो वही विद्यालय के अंदर जब आपको सम्मान मिलता था वो शक्ति का प्रदर्शन करवाता था इंडियन संस्कृति के हिसाब से प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी परमेश्वर प्राप्ति का उनका एक माध्यम था पहले के ज़माने में लोग मानते थे कि अगर आप शिक्षा गुरु की अगर सम्मान करोगे अगर आपका सम्मान हो रहा है तो आप अल्टीमेटली भगवान को ही मिलोगे आपको परमेश्वर प्राप्ति ही होगी पर आज पेट पालने का जरिया बन गया अभी लोगों ने उसको धंधा समझ लिया है और अभी हर जगह पे बिजनेस खोल के रखा हुआ है सब लोगों ने और पैसे कमाने का एक जरिया हो गया है प्रारंभ के समय की बात है लगभग विवेकानंद को भारत के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ पर तब उन्होंने अमेरिका में नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करें पहले के जमाने की बात है विवेकानंद इंडिया में इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे लेकिन उससे पहले अमेरिका में जब वो नाम कमा चुके थे तब जब इंडियन लोगों को पता पड़ा तो वो लोग उनके आदर सत्कार के लिए मालाएं लेकर उनके पीछे भागे थे उन्हें पता भी नहीं है कि उनको किस चीज़ के लिए नवाजा गया है उनका नाम हुआ है रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़ गए और यह राग आलापते हुए अमोदर ठाकुर हमारे कठोर सपूत जैसे बंगाली भाषा में जैसे ही बहुत ही अच्छे पुत्र ये कहकर बुलाते हैं वैसे करके जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो सब उसके स्वागत के लिए पीछे भाग गए थे लेकिन हमारी संस्कृति हमारे लोग का स्वागत वो तब नहीं करते थे जब तक वो एक नॉर्मल इंसान थे जब तक उन्होंने कुछ हासिल नहीं कर दिया तब तक लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते थे तारीफ नहीं करते थे उनकी कदर नहीं करते थे उसी हिसाब से दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था आ, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी ने सोचने लगी अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या जब लगभग हमारे जो ट्रेडिशनल नाट्य फॉर्म है डांस फॉर्म है भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और कथकली जब इसको फॉरेन में बहुत ही ज़्यादा नामना और प्रशंसा मिली तब जाके इंडियन संस्कृति के लोगों ने इंडियन लोगों ने उसका सम्मान करना शुरू किया उनको अद्भुत लगा कि यार हमारी संस्कृति में इतना कुछ है मतलब जब था तब उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं किया जब उसको नाम मिलने लगा जब फेम मिलने लगा लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे तब इंडियन उसके पीछे भागने लगे यहाँ के लोग को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती मगर पराये का सौंदर्य देखते ही मोहित हो जाते हैं जाहिर सी बात है इंडियन को अपने पास क्या है वो नहीं दिखता है उन्हें सब दूसरों की खूबसूरती दिखती है जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाना जैसा अनुभव करते हैं मैक्स मुलर ने बहुत ही मेहनत कर कर इंडिया जैसी जगह को एक रहने जैसी जगह और जीवन भर प्रार्थना की थी कि ये नॉर्मल जगह बन पाए लेकिन आज इंडिया के ही लोग सपना देखते हैं जर्मनी और विलायत में सेटल हो जाने का क्योंकि उनके लिए तो वही स्वर्ग है उन्हें इंडिया रहना ज़्यादा पसंद नहीं होता है ऐसे लोगों को प्राचीन गुरुशिष्य की महिमा सुनाना गधे को गणित सीखा जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है और ऐसे लोग जो इंडिया छोड़कर अपनी जन्मभूमि छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं जर्मनी या फिर बाहर कई विलायत में जाना चाहते हैं उनके लिए ये भाषण देना गुरु शिष्य के रिलेशन के बारे में वो तो ऐसा हो जाएगा गधे को गणित सिखाने के बराबर गधे को कभी गणित नहीं आएगा मैथ्स नहीं आएगी तो उस हिसाब से ऐसे गधे लोग ऐसे इंसान को अगर हम लोग पढ़ाने बैठेंगे गुरु और शिष्य का संबंध तो उनके सामने उनको गणित पढ़ाने के बराबर होगा गधे के सामने एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया लगभग एक टाइम की बात है गामा भारत में मुंबई जगह का सबसे बड़ा पहलवान हुआ करता था उन्होंने पूरे पहलवानी, पूरे विश्व में जो जो पहलवान है उनको चैलेंज दे दिया ओपन चैलेंज के जिसमें भी ताकत है मुझ मुझसे आके तकड़ा है अखबार में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकता उनके निकट पहुँच उनके उनसे पूछा साहब विश्व की किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो पर आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ एक पारसी जो पत्रकार थे उन्होंने चैलेंज दिया उनको कि आप पूरे विश्व के लोगों को इनविटेशन दे रहे हो आप अपने ही स्टूडेंट के साथ लड़के दिखाओ और विजय प्राप्त करके दिखाओ तो हम मानेंगे कि आप बहुत ही अच्छे गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे गामा पुराने सोच के सिंपल से साधारण से व्यक्ति थे उन्हें आजकल के ये दाव पैच नहीं आते थे इसलिए उन्होंने इन शब्दों से हैरान कर दिया उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया कि पत्रकार हैरान हो गया आंखें फाड़कर पहले तो पत्रकार का चेहरा उन्होंने टाकते हुए देखा फिर धीरे से कहा भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ मेरा निजी रहन सहन है मैं अपने हिसाब से रहता हूँ और शायद इससे आप परिचित नहीं हैं जिस लड़के का आपने नाम दिया है वह मेरे पसीने की कमाई है मेरा खून है और मेरे बेटे से अधिक प्यार है मैंने बोला आप जिससे लड़ने के लिए बोल रहे हो वो मेरे मेहनत की कमाई है वो मेरे बेटे से भी अधिक प्रिय है मुझे इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है मैं लड़ा यह लड़ा सब दोनों बराबर की बात है कि वो लड़ेगा मैं लड़ूंगा सब आपको रिजल्ट डी एन सेम ही में देखने को मिले मिलेगा वो मेरी छवि होगा वो मेरी छाया है और वैसे करके उसने अपने शिष्य की बहुत तारीफ़ की हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए और पत्रकार को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप अपनी भारतीय संस्कृति को समझा आप हिंदुस्तानी कहने के लायक ही नहीं है अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो हम लोगों को वंश परम्परंगत से शिष्य परम्परांग अधिक प्रिय कि हमारे बेटों से ज़्यादा हमें हमारे शिष्य ज़्यादा पसंद होते हैं ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से कम प्रभावी रहे टीचर हमेशा यही सोचता है कि उनके बच्चे हमेशा आगे पढ़ लिख कर उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बने और यही एक सच्ची शिक्षक की एक निशानी होती है कि वो हमें हमेशा उसके शिष्य की प्रगति ही सोचता है यानी हम नहीं चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए सो यह इसका मतलब ये हो गया कि जितना काम वो नाम कमा रहा है उससे अधिक अगर उसके पिता भी कमा रहे तो उसको उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वो उनको झाड़ते हुए बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि आप हिंदुस्तानी हैं क्योंकि आप अगर हिंदुस्तानी होते तो मुझे आपको ये सब चीज़ें नहीं बतानी पड़ती भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है देखने जाएंगे तो अलग अलग टाइप की फील्ड जैसे कि साधुओं की पहलवानों की संगीतकार की ये सब चीज़ें उनमें पाई जाती है भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं इवन रामकृष्ण भगवान राम और कृष्ण दोनों अलग अलग भगवान हैं वो भी बरसों तक ये मेहनत करते रहते काश हमें कोई शिष्य मिले जिसको हम लोग पढ़ा पाए सिखा पाए समझा पाए उन्होंने रो रो कर उत्तम शिष्य के लिए बहुत ही रोकर प्रार्थना की थी इसे समझा जा सकता है कि गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है कि जो एक सच्चा शिष्य है एक सच्चा गुरु है उनके लिए शिष्य की क्या इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में संतान प्राप्ति से भी ज़्यादा उन्हें शिष्य प्राप्ति बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता पर बगैर शिष्य के रहने के लिए एकदम तैयार नहीं होता जो टीचर लोग होते हैं वो बच्चों के बिना रहने के लिए तो रेडी होते हैं लेकिन शिष्य के बिना रहने के लिए थोड़े भी रेडी नहीं होते हैं इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है भगवान ईशा मीन्स जो जीजस क्राइस है उसका एक उदाहरण यहाँ पे बताया हुआ है कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है और उन्होंने बोला था कि जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो मुझसे ज़्यादा महान हैं मैं उनके पैरों की जूतियाँ भी नहीं हूँ यही बात गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं जिनको गांधी जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनके जैसा बनना है उन्हें गांधी जी बेशक अच्छे लगेंगे तो उनके पीछे पीछे जाएंगे उनका अनुर अनुकरण करेंगे सेम विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिन्हें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति नहीं थो सो आप जो बनना चाहते हो आपको वैसे टाइप के लोग ही अच्छे लगेंगे कविता के मर्मग और द रसिक स्वयं कवि के कवि से अधिक महान होते हैं जब कविता बनाते होते हैं तो जो संगीतकार होते हैं वो उसका एसन समझते हैं कि उसमें क्या राग है क्या ताल है क्या लय है संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन कर सकते हैं जिसने संगीत बनाया उससे ज़्यादा भी जो सुनने वाला है जैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसे समझ है वो शायद उससे ज़्यादा उसका मज़ा ले सकता है बनाने वाले से ज़्यादा यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है देखने जाएंगे तो मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी है उसकी वैल्यूएशन कम होती है पन जो पुजारी होती है वो उसको कितनी पूजा और आस्था से उसकी पूजा करता है वो ज़्यादा मेन होता है क्योंकि जो भी पूजा करने के लिए वो लोग वहाँ पे आते हैं तो उसे एक वाइब क्रिएट होती है मंदिर के अंदर और यही मंदिर की जो वाइब होती है वो मूर्ति की वैल्यूएशन बढ़ाती है सो तो इस हिसाब से जो जिसे पूजा होती है उसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होती है जो पुजारी होती है उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है और यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला महान होता है कि जो सम्मान देता है वो यहाँ पे महान होता है स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है पुष्प के सौंदर्य उसे आने वाली दृष्टि में है फूल खुद ही बहुत ही खूबसूरत होता है वो सुगंध फैलाने का काम करता है लेकिन वो उसके हिस्से में नहीं होता है वो देखने वाले की दृष्टि में होता है कि वो कितना खूबसूरत है कितना खुशबूदार है दुनिया में कुछ नहीं है जो कुछ भी है हमारी चाह में हमारी दृष्टि में हम जो चाहते हैं वो हमारे सोच में है हमारी आंखों में, में है हमारी दृष्टि में है यह अद्भुत भारतीय व्याख्यान अजीब सी लग सकती है पर हमारे पूर्वज सदा इसी पद के यात्री रहे थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट लग सकता है लेकिन हमारे जो इनसेस्टर्स थे वो भी यही कंसेप्ट फॉलो करते थे उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती कितने ही मुसलमान पहलवानों ने हिंदू चेले हैं और संगीतकारों में मुसलमान शिष्य है जो जो हिंदू भी है टीचर्स उनके चेले मुसलमान भी है और जो मुसलमान टीचर है उनके चेले हिंदू भी है यहाँ पर गुण की है साधना की है प्रतिमा की होती है भक्ति और श्रद्धा की है कीमत ना ही जातिवाद आचारवाद ना ही धर्म यहाँ पे आपके अंदर कैरेक्टर क्या है आपकी साधना क्या है मेहनत क्या है आपके अंदर का कैरेक्टर क्या है कितनी मेहनत है उसकी पूजा होती है ना कि आपके जाति की आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं आपके आचार विचार क्या है ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है मुझे क्या लिखाया था कि एक विद्वान मुसलमान ने ही उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहता है पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे आज देहांतों में भरत मियाँ रंजित मियाँ आदि अधि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग जो थे जो राम भगवान में बिलीव करते थे वो भी मौलवी भी थे और आज देखने जाएंगे तो आपको भरत मियाँ रंजित मियाँ जो है हिंदू नाम लेकिन मुसलमान नामों के साथ जुड़े गए हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं आज के गुरु भी सिर्फ सेवा देने में ही चतुर है आज के आज के गुरु के बाद भी अलग है आज के गुरु को सिर्फ पैसों से मतलब है वो सिर्फ सेवा देने में ही होशियार है आ, लेने में ही होशियार है देने में नहीं उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सेवा देने की चीज़ नहीं है लेने की चीज़ है क्या आ, सेवा जो है वो दे दो तो ज़्यादा अच्छा है लेना नहीं चाहिए सेवा देने के अधिकारी बच्चे रोगी असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मुद्द रूप समझिए अगर आपके अंदर सेवा देने की लायकात है तो आप ऐसे लोगों को दीजिए जिनको जरूरत है सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरुषों आजकल के गुरु नहीं रह सकते जिस जो शक्ति का प्रदर्शन करता है जिसके अंदर थोड़ी भी क्षमता नहीं है वो आजकल के गुरु बन ही नहीं सकते किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव हो है, जितनी मात्रा तक पुजारी की भाव पूजा और नैवेद्य भावना भरी रहती है किसी मंदिर की पूजा की मूर्ति के बारे में बात करेंगे तो वो मूर्ति की इम्पोर्टेंस तभी बढ़ेगी जब पुजारी की पूजा की अंदर की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तभी जाके वो मंदिर की महिमा बढ़ेगी और वो मूर्ति की वैल्यूएशन ज़्यादा होगी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर, कर दीजिए कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच